हेलो माइक। ओके, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चे सर, लोग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है ना? गुड इवनिंग सर। ओके ओके ओके। अब हम लोग एक पार्ट करते हैं जो कि मैंने आपको बोला था लेटर ऑन कराऊंगा। एक पार्ट था जो कि मैं बोला था बाद में। एनीबडी कैन टेल मी विच पार्ट विच आई टोल्ड यू कि अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। हु कैन टेल मी दैट? एनीबडी हु कैन टेल मी? एनीबडी हु कैन टेल मी? ओके, लिखो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दैट्स राइट। हु वाज दैट? उष्णा। किसकी आवाज? उष्णा। उष्णा, लवली आंसर, बहुत अच्छा आंसर उष्णा। You joined late, but I think you are the best. Okay. Title likho, resolution of a vector. Resolution of a vector. Resolution of a vector. Resolution of a vector. And draw this figure. Draw this figure, all of you. डायग्राम बनाया? डायग्राम बना लिया? डायग्राम बनाया सभी ने? देखो, ये ओ है, ये सी है, ओ सी इस पी पर, ओ ए ओ बी, ओ ए इस पी एक्स पर, ओ बी इस पी वाई पर। This angle is alpha, x-axis, y-axis. बनाया सभी ने? All of you made? Yes, sir. Okay, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो anybody can tell me what was components of a vector? उसका मतलब क्या था? Components of a vector क्या था? Anybody who can tell me? What was components? मैंने discuss किया था पहले, एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। What was component?
अभी अभी और मोर वेक्टर विद रेड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ अ सिंगल वेक्टर दैट इज राइट टू और मोर वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर थक गया एक वेक्टर फोर्स लगा लगा से थक गया बोलते हैं बस हो गया मैं और उसको हटाते हैं और चार पांच वेक्टर जाते हैं बोलते हैं ले हम लोग मिलके तो वो चार पांच वेक्टर जो कि सेम प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट उसको बोलते हैं कंपोनेंट इट कैन बी टू इट कैन बी थ्री इट कैन बी फोर एनी नंबर यहाँ पे क्या है एक पी बार था एक अकेला वेक्टर एक मिनट आवाज क्यों गूंज रही है मेरी ओके पी बार एक वेक्टर था ओके एक थक चुका था हम इसके बजाय हमको दो वेक्टर लगाए हैं पी एक्स बार एंड पी वाई बार सो दैट दे प्रोड्यूस सेम इफेक्ट तो पी एक्स बार पी वाई बार आर कंपोनेंट्स ऑफ पी बार आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ पी बार वी वांट टू नो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी टू फाइंड द मेथड टू फाइंड द कंपोनेंट तो मैं क्या करता हूं दिस पी बार आई रिप्रेजेंट बाय ओसी एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डज लेंथ ओसी इंडिकेट ओसी इक्वल टू व्हाट टेल मी डिस्टेंस ओसी एनीबडी resultant vector no oc kya hai length of a vector gives what magnitude length magnitude is nothing but magnitude of p bar or that is equal to p anybody can tell me what will be length oa equal to magnitude of px bar or that is equal to px what else idhar batao main kya likhu magnitude of p y bar and that is equal to p y Tell me, all of you agree? Yes, sir. OA is also BC. And OB is also, tell me what? Anybody? OB is also equal to what? OB is also equal to what? Anybody? Can you see the figure? That is right. Okay. Oh, mujhe batao. In triangle OAC, what is cos alpha equal to what upon what? Which side upon which side? Cos kya hota hai Bhargesh? Bhargesh, cos kya hota hai? Cos mein opposite upon hypotenuse, hypotenuse upon adjacent kya hota hai? Opposite upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. Adjacent upon hypotenuse. Sir, cheating कर रहे हो आप भी mistake कर रहे हो आखिर chapter क्या है? And therefore px equal to p cos alpha. And what is sine alpha? Sine alpha is ac upon oc. AC is nothing but PY upon P. And therefore, what is PY? P sine alpha. This is suppose equation 1. This is suppose equation 2. Therefore, 1 ka square plus 2 ka square will give me what? Tell me. It will give me PX square plus PY square is P square cos square alpha plus P square sine square alpha. Or therefore p square equal to p square into 1 is px square plus py square. And therefore what is p equal to root of px square plus py square. Ye magnitude again. And what will be direction tan alpha? Equal to py upon px. ओके ना ये बात मुझे कौन बताएगा हु विल टेल मी दिस बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं मैं कितने लोगों को याद है यूनिट वेक्टर मैंने कल भी पूछ किया था यूनिट वेक्टर यस सर यूनिट वेक्टर क्या था एक्चुअली अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर लवली आंसर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर लवली आंसर Okay, vector whose magnitude is 1 is called a unit vector. अब है ना एक बात कौन बताएगा मुझे? मैंने एक ऐसा बताया था example unit vector a bar equal to what upon what?
Anybody tell me? A bar is which vector upon what? Something like this मैंने दिखाया था. There is a vector A bar whose magnitude is A and small A bar is a unit vector in the direction of A bar. तो कुछ relation था इन तीनों के बीच में? कोई मुझे बताएगा, याद करके देखो, notes में देख लो चलेगा. Sir, A bar upon A. That is right. Given vector equal to unit vector in its direction multiplied by magnitude. Multiplied by its magnitude. ये पार्ट में यहां पे यूज करना चाहूंगा. कोई मुझे बताएगा P bar, can I say it nothing but PX plus PY? Okay, eight minute. What is PX bar? PA, A bar ke badle I am writing PX bar. A bar ke badle I am writing PY bar. Equal to what into? Ye wala use karna hai, ye wala. यहां पे यूज करना है मुझे और लिखना है. देखो, गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड. पीएक्स बार की मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पीएक्स बार? पीएक्स बार की मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स. द पीएक्स. दैट इज राइट, पीएक्स. एंड पीवाई बार की पीवाई. मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है. एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट शुड आई डू? Anybody remembers what should I do? यहाँ पे what unit vector I should write? यहाँ पे कौन सा unit vector लिखूँ? Anybody? Only intelligent friend who is really like Ushna. Ushna, मुझे बताओ तुम. Ushna. Yes sir. मुझे बताओ. Sir, can you repeat the question? I am asking, what should I write over there? What should I write? Bolo. Kya likhu wahan pe? A bar, PX bar. A, PX. Small A bar, unit vector. यहाँ पे लिखा है यूनिट वेक्टर, यहाँ पे लिखा है. चलो मैं हिंट देता हूँ. दिस इज अलोंग. हाँ सर, फॉर एक्स वाई जेड आई बार, नॉट बार सर. ए बार एक्चुअली रॉन्ग ही लिखा है. ए बार के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे, कोई बताएगा? सर द एरो कम्स अप. ए कैप. यहाँ पे बताओ क्या लिखूं. दिस वेक्टर इज अलोंग व्हिच एक्सिस? सर आई कैप. और यहाँ पे जे कैप. दिस इज व्हाट आई वांटेड. एंड सिंस P bar is nothing but PX bar plus PY bar. Therefore, P bar is nothing but equal to PX into I cap plus PY into J cap. And magnitude of P kya hota hai? Is root of PX square plus PY square. Ye humne represent kiya. एक बार फिर से मैं पूरा ये आपको बता देता हूं. देखो यहां पे मैंने क्या किया, हमें P बार दिया हुआ था OC which is making an angle alpha with the x axis. हमको बोले इसके कंपोनेंट्स निकालो. तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वहां पे. इसको बोला PX बार, इसको बोला PY बार. रिजल्टेंट इज नथिंग बट सम ऑफ PX बार प्लस PY बार. ये दोनों उसके बच्चे हैं ना, बच्चे कंपोनेंट्स को बच्चे बोल सकते हैं लेकिन लिखना नहीं है.
ये मेन बाप और उसके दो छोटे छोटे बच्चे, या तो इस बाप को अप्लाई करो या इन दोनों को अप्लाई करो. व्हाट विल बी सेम, व्हाट दे विल प्रोड्यूस सेम, दे विल प्रोड्यूस सेम व्हाट इफेक्ट, दे विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. नाउ यहां पे डिस्टेंस OC इज P बार व्हिच इज इक्वल टू P. डिस्टेंस BC एंड OA इज सेम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ PS बार TS. Distance AC and distance OB is same, that is magnitude of PY. Cos alpha is adjacent upon hypotenuse, that is PX upon PY. Therefore, PX will be P cos alpha. Sin alpha will be AC upon OC, that is PY upon P. So PY will be P sin alpha. Equation number two. Now squaring and adding. So PX square plus PY square is P square cos square alpha is P square sin square alpha. P square common lenge to andar cos square alpha plus sin square alpha, which is 1, equal to PX square plus PY square. Therefore, P will be what? Square root of PX square plus PY square. What will be tan alpha? Opposite upon adjacent of PY upon PX. Now, we know PX bar is nothing but TX into I cap. So, given vector, magnitude into unit vector. Given vector is magnitude into unit vector in its direction. And since P bar equal to PX bar plus PY bar, therefore P bar is PX I cap plus PY J cap. Copy kar lo itna. आज का चार बच्चे एब्सेंट है. बहुत लोग एब्सेंट है आज. एक कॉपी किया आप सभी ने, इतना मैं इधर मिटा रहा हूं, करके एक डायग्राम बना रहा हूं. दैट डायग्राम एवरीबॉडी विल हैव टू ड्रॉ. A bar, AX bar, AY bar, AZ bar.
ये एक बार आप कॉपी कर लो, देख मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Are called direction cosines. इतना कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट एवर आई हैव रिटन आई विल एक्सप्लेन वर्ड टू वर्ड से। गलत कर दिया, इधर ए एक्स लिखा है और इधर ए वाई लिखा है। एक्स टेन एंगल ए एक्स, वाई के डायरेक्शन में ए वाई। Okay, understand? Have you copied this? Marj Sheikh, Marj, Murtaza, Roshni, Vidhi, Afif, Bhargesh, copy kiya apne ye dikh raha hai jo? Main explain karta hu. So that I can explain you. No sir, copy. Baki ye copy karna. Okay, copy karo fast. कॉपी किया? कॉपी किया? हुसैन दागी ना? यस सर। कॉपी किया? यस सर। देखो इधर देखो, एक वेक्टर ए बार था, अभी स्पेस में था, ax bar, ay bar, az bar are component along x, y and z axis. So actually, pehla step ye likha, therefore a bar equal to ax bar plus ay bar plus az bar. Kyunki ye main bar aur ye teen uske chote chote kya? Chote chote kya? Chote chote kya? Chote chote bachche. A bar is the main bar, AX bar, AY bar, AZ bar are bachche and components along X, Y and Z axis. Because AX bar is along X axis, so we can write AX into I guess. Given vector magnitude into unit vector in its own direction plus AY into J cap plus AZ into K cap. What is the magnitude root of AX square plus AY square plus AZ square? But remember, yahan pe diagram banana thoda difficult hai. If alpha, beta and gamma are the angle, ये देखो ax और a के बीच में अल्फा, ay और a के बीच में बीटा और az इसके बीच में गामा, मत बनाओ डायग्राम में, मत बनाओ। तो अगर दे एंगल है व्हिच a बार मेक्स विद ax बार, ay बार एंड az बार, तो cos अल्फा ax बार a, cos बीटा ay बार a,
cos gamma kz by are called direction cosines. इसको शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं, इसको मैथ्स में बहुत डिस्कस करेंगे सर. एक नोट ध्यान में रखना, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ये अभी अपने फिजिक्स में काम का नहीं है, बट वी शुड नो इट. कॉपी किया आप सभी ने? Yes. सभी ने कॉपी कर दिया बच्चे लोग? कॉपी किया? Yes, sir. ओके. अब है ना, अब मैं आपको थोड़ा अलग चीजें बताता हूँ. सपोज अगर लिखते जाओ मेरे साथ में, पॉइंट ए प्रॉब्लम वन लिखो. प्रॉब्लम नंबर वन, ए has coordinate 2, 3, minus 5. Find position vector of A with respect to origin. A bar. All right. So, yahan pe agar main diagram banau, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है 2, 3, -5, तो इसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज पॉइंट ए, ओरिजिन इज ओ एंड दिस इज ए बार. ओ ए बार इज नथिंग बट 2 - 0 इंटू आई कैप प्लस 3 - 0 इंटू जे कैप प्लस -5 - 0 into k cap, and therefore that is equal to 2i cap. This is the position vector. इसको या तो ओ ए बार बोलो या ए बार. होमवर्क लिख दो, BCD. इसका ये सिर्फ टिक पॉइंट कर, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो. जगह छोड़ दो. जगह छोड़ दो इसके लिए और फिर अगला प्रॉब्लम लिखो. सर आई वाज राइटिंग. हाँ क्या सर? मैं लिख रहा था. ओ ओके, किसी और से पूछ लेना, बहुत है. कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिख डालना ना. मैंने भी कोई ऐसा कुछ ऐसी मन से दिया. नंबर टू, find AB bar. Find AB bar and magnitude of AB bar. AB bar is nothing but B bar minus A bar. That is equal to 4i cap minus 4i - 2i, maybe 2i cap. -8j cap and +13k cap and what is AB or that is equal to magnitude of AB bar? क्या होगा बोलो? Anybody in the class can tell me what will be magnitude of this?
What will be magnitude of this? Anybody who can say? मैंने फॉर्मूला दिया है अभी दिया है Who can take me the answer of magnitude? बोलो बोलो अब बोलो चलो हिंट दे दी हिंट हिंट अभी बताए ना रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 4 प्लस 64 प्लस 169 173 प्लस बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कैसे लाए ए बी बार इक्वल बी बार माइनस ए बार के बारे में थोड़ी दुविधा होगी ना आपको कि क्या किया सर आपने बोलो ओ बच्चे लोग आप ये सोच रहे हैं ना कि सर हाउ यू गॉट दिस बी बार माइनस ए बार ओ एक बार ये प्रॉब्लम बता देता हूं हमें कोऑर्डिनेट्स दिया था ए का और बी का और हमको पूछा था फाइंड वेक्टर ए बी बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार ए बी बार का फॉर्मूला इज बी बार माइनस ए बार मतलब बी बार का 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप फिर सबट्रैक्ट किया 4i माइनस 2i कैप 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k माइनस और माइनस यानी 13k कैप और मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 अब आपको ये दुविधा हो रही है कि सर हाउ यू गॉट दिस ये आखिर आपने कैसे लाए कितने लोगों को जानना है इसके बारे में Afif, you want to know or you already know this formula? I want to know. Okay, I'll explain. देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ? ये A है और ये B एलएनएस है. फिर से ये A है और ये B है. A का कोऑर्डिनेट दिया है कितना? 2, 3, -5 और B का कोऑर्डिनेट है 4, -5, 8 अच्छा मुझे एक बात बताओ सपोज ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर इधर से ये सेकंड वेक्टर हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर टेल मी हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर इज सेकंड वेक्टर ट्रायंगल लॉ सपोज दिस इज ओ दिस इज ए दिस इज बी This is OA bar. This is AB bar. How to find the resultant? Sir, OB. Line joining the beginning of the first point to the end of the second. This is nothing but OB bar. Tell me, OA bar ko kya hai? Small A bar. Bolo. And OB bar ko kya hai? Small B bar. By triangle law, what equation I can write? What plus what equal to what? First vector plus second vector equal to resultant vector. What I should write equation now? Yahan pe. Sir, A bar plus A bar plus A B bar equal to small B bar. Equal to small B bar and therefore tell me what will be A B bar equal to B bar minus A bar. Kallas. और अगर बी ए बार पूछा होता तो बी ए बार होता तो क्या वॉट माइनस वॉट बी ए बार होता तो क्या माइनस क्या अरे इसका उल्टा बोल ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार तो बी ए बार एक जन तो बोलो यार हाँ पी क्यू बार PQ bar? Q bar minus Q bar. MN bar?
n bar minus n bar. चलो कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो. यहाँ पे ये भी बनाना है तो बना लो. हर जगह एक एक रख लेता हूँ और डब्बे में. उसमें एक बैग में, चलो एक छोटी बैग में तुम्हारा भी मेरा भी दोनों का. ओके अबे ना ऐसे ही होमवर्क लेना ना, और कोई भी दो कोऑर्डिनेट लेना है बस. मिटाओ इसको. नो सर. Point PQ bar, QP bar, magnitude PQ bar, होमवर्क लिखो. कितना इजी है, यू कांट बिलीव सच सिंपल प्रॉब्लम्स आई एम गिविंग एज होमवर्क. सर आप बहुत जल्दी रब कर दे रहे हो बोर्ड को, मैंने नहीं लिखी. ओके ओके. किसी ने लिखा है बेटा? एनीबॉडी हु हैज रिटन? आफिफ हैव यू रिटन? आई हैव स्क्रीनशॉट. हां सेंड टुडेज नोट्स इन द ग्रुप. नो अरे ये तो मैं ऐसे अपने मन से बना रहा हूं. सुन एक मिनट. एनीबॉडी हु हैज रिटन द प्रीवियस वन? एनीबॉडी फ्रॉम हियर? हां स्क्रीनशॉट सेंड द स्क्रीनशॉट प्लीज. हां सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन द ग्रुप प्लीज. आफिफ विधि हैव यू कॉपीड? विधि सर द प्रीवियस सम. हां द प्रीवियस सम ना. हां प्रीवियस सम. यस सर. स्क्रीनशॉट भेज दो ना ग्रुप में. या ओके ओके. मेरे पास अभी लेस देन 1 मिनट है, कभी भी लेक्चर खत्म हो सकता है. ये बहुत बेसिक बताया मैंने, विच इज वेरी वेरी यूजफुल इन फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स. सबको आना ही चाहिए ये वेक्टर.